नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑनलाइन हो गई है, यानी कि अब आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल करवाने के लिए आपको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और 27 जनवरी से उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ, तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके UPPC.in को सर्च करना है। तो चलिए हम यहाँ से UPPC.in को सर्च करते हैं, और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रिन्यूअल करना है, उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल क्वेरीज़ के लिए। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरे पोर्टल को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर वेद व्रत सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ हैं और ये यूपी फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। और यहाँ पे डॉक्टर निरुपमा दीक्षित, जो कि रजिस्ट्रार है और ये पैरामेडिकल डायरेक्टर है, और श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि OHD हैं यूपी फार्मेसी काउंसिल के। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिन लॉगिन, गैलरी, रिचर्स, और यहाँ पे फार्मासिस्ट कॉर्नर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फार्मा अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, बी फार्मा अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड फीडबैक। तो देखिए यहाँ से हम फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 रुपये कर दी गई है, और यहाँ पे रिन्यूअल फीस है 1000 रुपये, लेट फीस है 500 रुपये। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी फीस दी गई है आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस दिया गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए हम फिर से होम पे चलते हैं, और हम यहाँ पे होम पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पेज ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नीचे चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रीस्टोरेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम अदर काउंसिल टू UPPC। तो देखिए अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल, अगर आपको रिन्यूअल करवाना है, या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है और उसको फिर से रीस्टोर कराना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम अदर काउंसिल टू UPPC, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है और आप यूपी फार्मेसी काउंसिल में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और रिक्वेस्ट फॉर NOC फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम UPPC टू अदर काउंसिल, तो अगर आपको किसी दूसरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ट्रांसफ़र कराना है और आपको NOC चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, नीचे आते हैं, और आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ एंड अलर्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दी गई हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगर मुझे अपना रिन्यूअल करवाना है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट होगा 27 जनवरी से, ठीक है। तो जब यहाँ 27 जनवरी से यहाँ पे पोर्टल चालू हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकेंगी और जो भी आपका सर्विस होगा आप उसको पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल अब ऑनलाइन हो गई है, और 27 जनवरी से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल होगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।